बड़ी खबर की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज संसद में पेश किया जाना है और इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवां बजट पेश कर एक रिकॉर्ड भी बनाने वाली हैं। लोकसभा चुनाव के बाद इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर रहने वाली है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आम बजट अमृत काल का अहम बजट होगा। ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला भी रखेगा। पीएम मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि सरकार ने जो गारंटी दी है उसकी दिशा में आगे बढ़ना होगा और इसी को लेकर आज बजट पर सबकी नजरें हैं। क्या अहम इस बजट में रहने वाला है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बहुत अहम बयान सामने आया है। उनकी तरफ से बताया गया कि जो गारंटी दी गई थी, जो देश की जनता से वादा किया गया था, उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए विकसित भारत का 2047 तक का जो सपना देशवासियों को दिखाया गया है, उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए और सबको साथ लेकर चलने के लिए बजट बहुत अहम होने वाला है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि एक बड़ा रिकॉर्ड भी आज बनने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवां बजट पेश करने वाली है।